हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल एथनिक सूट। तो ये सारे के सारे हैं अमेज़ॉन से, और साथ ही मैं इन सूट्स को मैं रिव्यू भी करूँगी। मतलब सुंदर तो है ही ये, लेकिन कपड़ा कैसा है, मोटा है, पतला है, मतलब मुझे सामने ये मंगा कर कैसा नज़र आ रहा है ये मैं आपको बताऊँगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट है ये येलो एंड ऑलिव ग्रीन कलर का सूट। तो येलो कलर का इसका दुपट्टा है एंड ऑलिव ग्रीन इसका जो ऊपर वाला कुर्ती वाला हिस्सा है वो है। तो आपको शायद ऑलिव ग्रीन जो कलर है इतना अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, बट ये ग्रे कलर नहीं है, ये बेज कलर भी नहीं है, हल्का सा ग्रीनिश इसमें टिंट है। ये जो पूरा सूट का सेट है ये कॉटन का है। ऊपर आप देख सकते हैं कि सीक्विन है और उसके अलावा इस पर प्रिंट दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। लेकिन जो इसकी पैंट्स हैं मुझे लगा कि थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट है, तो इनमें उतनी ये मोटी है नहीं जितना इसका दुपट्टा है। एक्चुअली दुपट्टा ज़्यादा ओपेक है, ज़्यादा मोटा है। तो ये इस तरह का सूट है जिसे आप फेस्टिवल्स पे भी पहन सकते हैं, अदरवाइज छोटे मोटे ओकेजन्स पर भी पहन सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इस कॉम्बिनेशन में कलर्स के ऑप्शंस नहीं थे, यही वाला है। मतलब कई बार होता है ना कि सेम डिज़ाइन होती है और अलग 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 कलर्स में होता है, तो वैसा ये वाला सूट का सेट नहीं है, ये इसी कलर में है। कुर्ते की जो थिकनेस है वो अच्छी है, दुपट्टे की भी अच्छी है, बस जो पैंट्स है ये थोड़ी सी पतली है। ऐसा नहीं है कि बहुत पतली है, पर हाँ मुझे महसूस हुआ, मुझे देखते से लगा कि थोड़ी पतली है। नेक्स्ट है ये नेवी ब्लू कलर का सूट, बहुत ही प्रिटी है। तो ये 100% प्योर कॉटन नहीं है, ये कॉटन ब्लेंड है, और इसका जो दुपट्टा है आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बट इसी वजह से ही बहुत इजी टू कैरी है। इसमें जो फ्रंट में एकदम सिंपल सा पैटर्न दिया गया है, उस वजह से मुझे ये सूट बहुत पसंद आया। इसकी जो सलवार है, कुर्ता है, सब जो चीज़ें हैं सबकी थिकनेस यानी जो मोटाई है वो अच्छी है। तो ये भी सूट ऐसा है कि आप फेस्टिवल्स पे तो पहन ही सकते हैं, अगर शादी ब्याह के कोई छोटे मोटे फंक्शंस हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा लाउड नहीं पहनना है, पर एकदम सादे कपड़ों में भी नहीं रहना है, आप वैसे ओकेजन्स पर भी इसे पहन सकते हैं। ये देखिए बॉटम पर भी एक पट्टी दी गई है और उस पर गोटा पट्टी का वर्क है, ट्रायंगल ट्रायंगल जो छोटे वाली गोटा पट्टी की लेस आती है ना वैसे। बहुत हैवी नहीं है, और अगर आप दुपट्टा बहुत ज़्यादा कैरी करना पसंद नहीं करते हैं या फिर आपसे होता नहीं है, संभलता नहीं है, तो उस हिसाब से ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा है। तो उस तरह से ना जो शिफॉन के दुपट्टे होते हैं वो भी बहुत इजी टू कैरी होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, या फिर अगर थोड़ी मोटे में और ज़्यादा एथनिक और इंडियन स्टाइल जो होता है उसमें अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे कम चौड़ाई वाले दुपट्टे वाले सूट सेट कंसिडर कर सकते हैं। आपको बहुत आसानी होगी ऐसे दुपट्टे को साइड में कंधे पर कैरी करने के लिए। आज की वीडियो में आपको सबसे अच्छा सूट कौन सा लगा मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगला है ये पिंक कलर का सूट। अब ये वाला सूट ऐसा है जिसमें इसी पैटर्न में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, इसके पहले वाले सूट में भी नहीं थे। कॉटन मटेरियल का ये सूट सेट है, पूरा का पूरा कॉटन है, दुपट्टा भी इसका कॉटन का है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रिटी है। लेकिन जो मैंने बात कही थी पिछले वाले सूट में कि अगर आपको दुपट्टा कैरी करना इतना अच्छा नहीं लगता है, फिर अच्छा लगता है बट आपसे हो नहीं पाता है, तो ये जो दुपट्टा है ये आपको डिफ़िकल्ट हो सकता है कैरी करने में, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी चौड़ा भी है। तो अगर आपको बहुत बड़ा दुपट्टा नहीं चाहिए कॉटन में तो आप इसे सिलेक्ट ना करें। अगर आप कंफर्टेबल है कि भाई दुपट्टा कॉटन में होकर भी बड़ा हो चौड़ा हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो नीचे भी गोल्डन कलर की लेस दी गई है और बाकी ऊपर जो दुपट्टा है इसके ऊपर प्रिंट है। देखा जाए तो ओवरऑल बहुत ही सिंपल सूट है, पर ये बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसके ऊपर उस हिसाब से ज्वेलरी पहनेंगे तब भी ये बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जिस बात का मैंने कहा है आपको ध्यान रखना है कि अगर दुपट्टा आपसे संभल सकता है इतना बड़ा जो कि शिफॉन या फिर जॉर्जेट नहीं है, तभी आप इसे कंसिडर करें। मतलब आपको एक तरफ तो आप पिन लगा ही सकते हैं सेफ्टी पिन, पर आपको अगर रिस्ट पर रखना है, हाथ पर रखना है, तो भी हो सकता है कि आपको थोड़ी दिक्कत आए अगर आपको आदत नहीं है।
नेक्स्ट है एकदम पिक्चरों वाला टाइप का, मूवी वाले टाइप का सलवार सूट का सेट। ऊपर वाला जो है ये अनारकली है रेयॉन में, बॉटम भी रेयॉन है। और जब दुपट्टा देख सकते हैं बांधनी प्रिंट का है, कॉटन में है, काफ़ी थिक दुपट्टा है इसका भी, लंबा चौड़ा दुपट्टा है। तो बहुत ही प्रिटी ये सूट है, क्योंकि ये वाइट है, रेयॉन है, तो आपको भले ही हाथ में लेकर लगेगा कि कपड़ा अच्छा खासा मोटा है, पर पहनने के टाइम पे आपको अंदर अगर आप वाइट ना पहन के कुछ जो अंडरगारमेंट्स है आपकी, अगर आप स्किन कलर के पहनेंगे, स्किन कलर की स्पेगेटी पहनेंगे या फिर ब्रा आपकी स्किन कलर की होगी कंपेयर टू वाइट, वो ज़्यादा बेटर लगेगी। वाइट उल्टा उठ के दिख जाता है, स्किन कलर इतना नज़र नहीं आता है, तो आपको इसके अंदर वो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी इसमें जो गोटा पट्टी है उसका यूज़ किया गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। जो दुपट्टा है काफ़ी हैवी है, ये देखिए ये रहा दुपट्टा, तो बांधनी प्रिंट है और इसके चारों एंड्स पर टैसल्स दिए गए हैं, लटकन दिए गए हैं, तो गोल्डन थ्रेड में ये टैसल्स हैं। तो ये सूट भी फंक्शंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, बस हाँ वाइट है तो आपको उठते बैठते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका दुपट्टा भी काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो अगर आपको दुपट्टा कैरी करने में दिक्कत आती है तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत सुंदर है। और इस तरह के जो हैवी मोटे दुपट्टे होते हैं, इन्हें हम गले के अराउंड जैसे हम नॉर्मल सूट की चुन्नी लेते हैं वैसे नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत मोटे होते हैं, आप वहाँ लगाएंगे तो मतलब आपकी पूरा जो आपका गला है वो गायब ही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पिकॉक ग्रीन आर्ट सिल्क का कुर्ता और इसके साथ शिफॉन का दुपट्टा है। मुझे ये पूरा सेट बहुत बहुत पसंद आया, रेगुलर जो सूट के सेट्स होते हैं उनसे ये अलग है, बहुत ज़्यादा पार्टी वाला टाइप का फील आता है, मतलब फंक्शन वाला फील आता है, क्योंकि जो आर्ट सिल्क है इसमें अपनी शाइन है, शीन है, आप देख सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो मुझे लगी कि इसके सामने वाले हिस्से में जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं, जो एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी लग रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें लटकन लगाए हुए हैं, कट्स हैं, टैसल्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर बहुत ही सिंपल में बहुत सुंदर डिज़ाइन है। इनफैक्ट अगल बगल बहुत प्रिंट नहीं है और सिर्फ सामने यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी दी गई है, यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस सूट में। तो बाकी जो आप देख सकते हैं कपड़ा एकदम प्लेन है फ्रंट एंड बैक, जो स्लीव्स है वहाँ पर भी थोड़ी एम्ब्रॉयडरी दी गई है, पैंट्स भी ऊपर से प्लेन है और नीचे एकदम बॉटम पे सेम जो स्लीव्स में यानी आस्तर में एम्ब्रॉयडरी दी गई वही है। एकदम लाइट पीच कलर का दुपट्टा है, शिफॉन का है, वेरी लाइट एंड वेरी इजी टू कैरी, आप बहुत आसानी से इसे कैरी कर सकते हैं, और जिस तरह से मैंने अपने गले के अराउंड ये दुपट्टा लगाया है आप वैसे लगा सकते हैं, आपके बीच बीच में नहीं आएगा और फिसलेगा भी नहीं। इसमें कलर्स के ऑप्शन नहीं है, अगर इसमें कलर्स के ऑप्शंस होते तब भी मुझे लगता है कि सारे के सारे कलर्स इसके ऊपर, मतलब ये जो मटेरियल और पैटर्न है इसके साथ अच्छे लगते हैं। तो मुझे तो ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया। नेक्स्ट है ये बेबी पिंक कलर का कॉटन ब्लेंड वाला सूट, कॉटन ब्लेंड यानी 100% प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स है, और इसके ऊपर है सिल्वर कलर की प्रिंट और बहुत हल्का फुल्का इसके साथ दुपट्टा है शिफॉन का। इसकी जो पैंट्स है काफ़ी ब्रॉड है बॉटम पे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, पर इसका जो ओवरऑल कलर एंड लुक है ये बहुत ही अच्छा है, और ये जो कॉम्बिनेशन है मतलब पिंक के साथ सिल्वर है, गोल्डन कलर का या कॉपर गोल्ड कुछ भी नहीं है, ये पिंक एंड सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। तो ये देखिए इसका जो टॉप है इस तरह से है फ्रंट में, और ऊपर जो आप देख रहे हैं इसके सिल्वरिश ग्रे प्रिंट है और नीचे सिल्वर कलर के यहाँ पे गोटा पट्टी दी गई है। ये पैंट है फ्रंट एंड बैक इलास्टिक है और बॉटम पे ये वाइड है यानी काफ़ी चौड़ी है कंपेयर्ड टू जो मैंने पहले आपको दिखाए, ये देखिए काफ़ी चौड़ी है। ये दुपट्टा है हल्का फुल्का बेबी पिंक कलर का और इसमें भी दिया गया है गोटा पट्टी का वर्क, यानी गोटा पट्टी लगा रखी है, लेस लगा रखी है, तो ये भी फंक्शंस के हिसाब से बहुत सुंदर है, मतलब पॉसिबिलिटीज एंडलेस है, आप बहुत सारे फंक्शंस पर इसे पहन सकते हैं। तो ये काफ़ी एलिगेंट है और इजी टू कैरी है, क्योंकि इसका भी दुपट्टा शिफॉन का है, तो आप इस तरह से गले पर भी लगा सकते हैं या फिर आप साइड पर भी लेंगे, कंधे पे एक सेफ्टी पिन से दुपट्टे को लगा लें, तभी आपके हाथ पे ये बहुत हेवी फील नहीं होगा।
तो पक्का से मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आज के वीडियो में सबसे अच्छा सूट आपको कौन सा लगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और होम एंड मचमोर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।